नमस्कार जी साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अभी आपको एक नए साथी से मिलवाना चाहता हूँ। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम मलय है और मैं नागालैंड से आया हूँ और मैं यहाँ आगरा में डिप्लोमा पढ़ने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आपको लगभग कितने महीने हो गए मलय जी? मैं यहाँ आने के बाद 5 महीना हो गया। 5 महीने, तो अब घर जाने की खुशी हो रही होगी आपको? घर जा रहे हैं कि नहीं इस बार? घर जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरा गाँव तो बहुत दूर है, इसलिए मैं नहीं जाएगा, तो यहाँ आसपास में घूमने के लिए जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, यही तो एक मजबूरी है ना? घर दूर है क्योंकि आप भी मजबूर हैं, घर नहीं जा सकते हैं, और आप फिलहाल यहीं आगरा में ही छात्रावास में ही रहकर इस विंटर वैकेशन का जो दिन है व्यतीत करना चाहते हैं, है ना? तो अभी आपका टीचिंग प्रैक्टिस भी चल रहा है, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितने बजे रात तक जगते हैं? मैं 2:30 ऐसा हो जाता है। मतलब बहुत सोने को तो नहीं मिलता होगा, है ना? फिर सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 8:30। फिर सुबह 8:30 बजे से फिर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, है ना? तो आज का टीचिंग प्रैक्टिस आपका ख़त्म हो गया है ना? आज समालोचना का ख़त्म हुआ है और कल से और तो लास्ट कब तक है? 21 तारीख तक लास्ट है, तो उसके बाद आप यहीं रहेंगे, है ना? और यहाँ पे आपको मौसम के बारे में कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो यहाँ का मौसम तो अच्छा ही है। अच्छा, इतना ठंडा भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गर्मी लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ठंड है कि अभी 1 बज रहे हैं फिर भी स्वेटर पहने हुए हैं, फिर भी यहाँ पे इनको अच्छा लग रहा है, है ना? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जी? नमस्ते जी, मेरा नाम इनोरेंग जिलंग है, मैं नागालैंड से आया हूँ। इधर आके लगभग 5 महीना हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हमारा टीचिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ का मौसम जब हम शुरुआत में आया था तब तो एकदम गर्म था, लेकिन अभी तो ठंडा का मौसम आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको खाने पीने के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का भोजन कैसा है? भोजन तो ठीक ठाक है, जितना सोचा था उतना तो नहीं है, लेकिन चल रहा है, अच्छा चल रहा है भोजन। और इस बार आप विंटर वेकेशन में घर जा रहे हैं? शायद से नहीं जा पाएगा मैं, मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो यहाँ थोड़ा समय और बिताएंगे, क्योंकि हम 2 साल के लिए तो इधर आए, तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा समय यहाँ बिताएंगे। अच्छा, तो आगरा शहर में आप कहाँ कहाँ घूम लिए जिलियन जी? सबसे पहले तो हम ताजमहल गए थे, जो कि सब लोग करते हैं जी, आगरा में आए तो ताजमहल जाना है। उसके बाद लाल किला गए थे, उसके बाद कुछ होटल्स में गए थे, रेस्टोरेंट में और कुछ पार्क में गए। कुछ मेरे नए साथियों के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे आने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अच्छा से तैयारी करें, अगर यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा है, हम भी यहाँ आके अपने आप को बहुत क्या बोल रहे हैं, लाइक भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है इधर आने के लिए, बहुत लकी फील कर रहा है। बहुत 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 धन्यवाद जिलियंग जी आपका, और मुझे भी आशा है और विश्वास है कि हम जितने भी फ्रेंड आए हैं यहाँ पे, हम सभी को एक बहुत ही अच्छा स्वर्ण सुयोग मिला है, और यहाँ से हम बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी सीख कर ही जाएंगे, हम सभी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है। और आप कक्षा के विषय में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छा ही चल रहा है, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और टीचर लोग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, और हमारा तो हिंदी तो बहुत कमज़ोर है, तो हमको बहुत ज़्यादा उनका ज़्यादा हेल्प लगता है टीचर लोग का, और दोस्तों से भी ज़्यादा हेल्प मिलता है। नहीं, आपकी हिंदी तो अभी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, ये आप यहाँ से जाएंगे तो और बेहतर हिंदी कह पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद चिलियंग जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए।